ये वीडियो में मैं आपको डी जे हल्ली के जी हली से जुड़े केस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ देखिए डी जे हल्ली के जी हिल का के, के दो साल होते हुए आ गए हैं और इसमें जितनी भी तकलीफ मुझको है जितने हर एक फैमिली के मेम्बर को तकलीफ है इक्वल तकलीफ मुझको भी तकलीफ है और ये तकलीफ बढ़ इसलिए जाती है एक तो सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है दूसरे जो हमारे लोग हैं ना वो लोग भी अजीब इस तरह की बकामा करते हैं इस सबको मालूम है इस इशू में इतना दिन होने के की वजह से नई बेल मिलने की वजह ख़ास वजह क्या है जो सबसे पहले जो बीस लोगों की बेल हम कुछ लोगों ने बगैर मशवरे के जो डाली थी और वो जो हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुई उसकी वजह से क्या है कि इन लोगों को बाहर आने में तकलीफ़ हो रही इसके बावजूद भी ऐसे लोग जिनको ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन है ना ही कुछ है वो बात बात में फांसी की सज़ा फांसी की सज़ा फांसी की सज़ा बकते रहते हैं ऐसे लोग इसमें इंटरफेयर होकर अपने आप को पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं अगर कोई भी आदमी जेन्यून आदमी किसी के लिए भी कोई भी रिलीफ वरेंटेड काम करना चाहता है चाहे वो जो लोग बाहर से आए जेल से बाहर आ चुके उनके लिए करना चाहता है या पेंडिंग केसेस के लिए करना चाहता है या जो जेल के अंदर है उनके लिए करना चाहता है यू के लिए कोई भी अगर आप में से कोई भी अगर कम्युनिटी का मेंबर या कोई भी सेकुलर ब्रदर कोई भी आना चाहता है और एक अच्छा एक, एक अपने एक कोशिश करना चाहता है तो आप समझ के चलिए कि मैं एज ए एडवोकेट एज ए एडवोकेट ताहिर मैं उसका साथ हंड्रेड परसेंट दूंगा और आउट ऑफ द वे जाके भी दूंगा मगर ये समझना है ये यू मैटर है ये एक चोरी का मैटर या फैमिली मैटर नहीं है जो आमतौर पर लोग लड़ते हैं और हो जाता है काम तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें थोड़ी गड़बड़ शुरुआत में हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और मैं बहुत सारी हाई कोर्ट में फाइनल मैं फाइल करके हूँ उनमें फाइनल हेयरिंग्स भी हैं और एक केस में तो जजमेंट भी रिजर्व है अगर किसी भी के तरीके से कोई भी ऑर्डर हमारे में एक ऑर्डर आ गया तो पूरे हालात चांसेस सबके लिए ओपन हो जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट टू मंथ में एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर आने की उम्मीद है मुझे और मैं आप सब लोगों को सुनने वालों को यकीन दिलाता हूँ मुझे पूरी ये उम्मीद है दो महीने के अंदर कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा और उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बर करम आपका कोई भी मोटिव हो चाहे पोलिटिकल मोटिव हो चाहे सोशल मोटिव हो चाहे पब्लिसिटी मोटिवस हो खुदा के वास्ते इन लोगों की जो बेचारे जेलों के अंदर हैं ऑलरेडी परेशान हैं उनकी फैमिलीज परेशान हैं उनको बेकार के वीडियो बना के बेकार के मशवरे दे के बेकार की बातें करके उनको खुदा के वास्ते तंग मत करो अगर आपको रियली जेन्यून कुछ काम करना है अगर आप करना चाहते हैं मेरा ऑफिस हमेशा ओपन है आप मेरे ऑफिस में आइए डिस्कस कीजिए क्या बेहतर है डॉक्यूमेंट लीजिए जिस एडवोकेट के पास जाना चाहिए पूरी इंडिया में नहीं कर्नाटका में नहीं जो भी आपको कहीं भी कोई बेस्ट एडवोकेट मिलता है जो कि लगता है और रिलीफ मिल सके तो मैं उस एडवोकेट के साथ जूनियर की तरह काम करने के लिए तैयार हूं मेरा इंटरेस्ट क्या है लोग बाहर आना क्योंकि ये मेरे अपने साथी हैं मेरे अपने दोस्त हैं मेरे अपने भाई हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरीके से बेकार के प्रोग्राम करके बेकार के वीडियो बना के एग्रेसिव बातें करके जो उनको कुछ मालूम नहीं है क्या ही मालूम नहीं है ऐसे लोगों ने ही क्या हुआ पहले इस केस को बहुत ज्यादा खराब कर दिया और अब वो लोग कोई भी नहीं है जिन लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया ये करी पब्लिसिटी करी कोई भी इस केस में नहीं है और ऐसे ही है जो लोग अभी वीडियो बना रहे हैं पैसा दे के यूट्यूब में अपना वीडियो बना के सर्कुलेट करते हैं ये लोग भी सारे एक महीने दो महीने तीन महीने में गायब हो जाएंगे अगर कोई टिकेगा तो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न एडवोकेट दिखेगा टिकेगा जिसको लिए कॉम का दर्द है